नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी एस वाई निरसर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज का ये जो क्लास है टीजीटी पीजीटी आर्ट से संबंधित है, टीजीटी पीजीटी आर्ट से संबंधित है और हम लोग टीजीटी के सिलेबस में अजंता गुफा को आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने बाघ गुफा पढ़ा है, एलोरा गुफा पढ़ा है, जोगीमारा गुफा पढ़ा है, सितन मासल गुफा पढ़ा है, बदामी गुफा पढ़ा है और जो है महत्वपूर्ण डाटा हमने पढ़ रखा है, जैसे सिगरिया गुफा हमने कल पढ़ा, श्रीलंका में स्थित है। अब आज की इस वीडियो में हम लोग अजंता गुफा के बारे में देखने वाले हैं और उससे पहले हमने भारतीय चित्रकला के षडांग पढ़े, सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा और उससे पहले भी हम लोग भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्रों को पढ़ा, जिसमें होशंगाबाद, मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, रायगढ़, बांदा, पंचमढ़ी और जो है मिर्ज़ापुर भी शामिल है। तो इनसे संबंधित क्वेश्चंस हम लोग देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग अजंता से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 8-9 पेज आपको नोट डाउन करना होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अजंता से क्वेश्चंस भी सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपने अजंता को ढंग से कवर कर लिया तो ये समझ लीजिए 2 से 3 प्रश्न आपके पक्के हो गए और 2 प्रश्न यानी 8 नंबर, 3 प्रश्न यानी 12 नंबर। 500 नंबर में अगर 12 नंबर एक ही वीडियो से आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है, तो इसे आपको कम्प्लीट करते हुए चलना है। सबसे खास बात यहाँ पे होती क्या है कि टोटल 6 गुफा में यहाँ चित्र पाए जाते हैं। गुफाओं की संख्या 30 होती है और 30 में 6 गुफा ऐसे हैं जहाँ चित्र पाए जाते हैं। खासकर हम लोग 6 गुफा पढ़ लेंगे, बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। अजंता की अगर बात करते हैं तो अजंता गुफा भी एलोरा की भांति मूल रूप से महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है और ये औरंगाबाद ज़िले के केंद्र से 106 किलोमीटर की दूरी पर, मध्य रेलवे के जलगांव स्टेशन से लगभग 61 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। मूल रूप से अजंता एक स्थान है, अजंता गांव के पास ही अजंता गुफा स्थित है, ठीक है, ऐसा माना जाता है। अजंता तीर्थ से जो है 6.5 किलोमीटर पहले फरदापुर ग्रामीण में, जहां से होकर के दर्शकों को जाना पड़ता है, गुफा के दर्शन के लिए बहुत ही अच्छा और जो है सरल और सुगम मार्ग हो गया है, ऐसा बताया जा रहा है। और ख़ासकर इसमें ये बात होती है कि अजंता गुफा में बहुत बार जो है चित्र जल गए हैं, ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। अंग्रेज अधिकारी आते हैं, देखते हैं, चित्र बनाते, ले जाते, लंदन रखते, वहाँ आग लग जाती, जल जाते, ऐसे बहुत कहानियाँ मिलेंगी। आप रीता प्रताप मैम की बुक पढ़ेंगी तो वहाँ पे ऐसे सावधान और कहानियाँ जो है रचनात्मक ढंग से आपको मिल जाएंगी, लिखी गई हैं बहुत ही अच्छे से, रोमांटिक ढंग में उन्होंने लिखा है। लेकिन जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं उनको हमें अच्छे से पढ़ना है, वहाँ आप फिलहाल पढ़ सकते हैं। अगर उस वाली बुक आपके पास है तो वहाँ आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल जो हम डाटा आज दे रहे हैं आपको, बहुत कम्पैक्ट डाटा दे रहे हैं, जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। तो गुफा में मंदिर दर्शन के लिए जाना पड़ता है, कौन से गांव से होकर के? फरदापुर गांव से होकर के जाता पड़ता है। अजंता की गुफाएं हरि श्रृंगार से संबंधित हैं, आच्छादित हैं और बढ़िया मनोहर और एकांकी घटनाओं के लिए फेमस होती हैं। कौन सी? अजंता की गुफाएं। अगर बात करें तो यह घाटी जो है सतपुड़ा के क्रमशः 7 कुंडों में होकर के गुजरती है। सतपुड़ा में स्थित है और मूल रूप से किस नदी के किनारे स्थित है? बाघोरी नदी के किनारे स्थित है। बाघोरी पहाड़ियों पर स्थित है, बाघोरी नदी के किनारे। सतपुड़ा पहाड़ी है, बाघोरी नदी है, ठीक है। और बाघोरी नदी पहाड़ियों को काटती हुई उनके पैरों में से सांप की तरह लौटती हुए कमान तरह मोड़ बनाए हुए घूम रही है, इसीलिए इसको अर्धचंद्राकार समान माना जाता है। जो मूल रूप से अजंता गुफा है उसको अर्धचंद्राकार माना जाता है और 72 मीटर इसकी हाइट मान ली जाती है, 72 मीटर, ठीक है। तो ये बाघोरी नदी के किनारे स्थित है अजंता गुफा। 30 गुफाएं पाई जाती हैं यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। कई बार ये साक्ष्य मिलता है कि 30 गुफाएं मिलने के बाद यहाँ पे हो गया युद्ध, लग गई आग, लोग भाग गए। जब यहाँ 1857 की क्रांति हो रही थी उस टाइम यहाँ से जो है अंग्रेज अधिकारी जो नियुक्त हुए थे गुफाओं की खोज के लिए वो सब भाग गए। तो कुल मिला के 30 गुफा खोज पाए, उसके बाद वो लोग भाग गए यहाँ से। ऐसे भी साक्ष्य मिलते हैं जो है, ऐसी कहानियाँ मिलती हैं। याद क्या रखना है? अजंता कहाँ स्थित है? औरंगाबाद मध्य प्रदेश, सॉरी औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। किस नदी के किनारे? बाघोरी नदी के किनारे। कैसा दृश्य है? अर्धचंद्राकार दृश्य है, ठीक है। ये अभी तक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके बाईं ओर उत्तर की ओर एक मोड़ है, लगभग 250 फुट ऊँची पहाड़ी खड़ी है और इसी पहाड़ी में से एक अर्धचंद्राकार पंक्तियों में ये गुफाएं काटकर बना दी गई हैं, जिसे हम लोग अजंता के नाम से जानते हैं। अजंता गुफा यही है, अर्धचंद्राकार हाइट है और मूल रूप से 250 फीट पे ऊपर स्थित है।
आगे हम लोग अगर बात करते हैं तो अजंता में क्या खास होती हैं, तो अजंता की गुफाएं वास्तुकला, चित्रकला और मूर्तिकला तीनों के लिए फेमस हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है अजंता की किलाएं, अजंता की गुफाएं मूल रूप से किस पे निर्भर करती हैं, तो मूर्तिकला, वास्तुकला और चित्रकला तीनों पे सबसे बढ़िया संगम मिलता है यहाँ पे, ठीक है, वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला का। अगर हम लोग बात करते हैं तो अजंता का मूल रूप से संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से सबसे ज़्यादा संबंध रहा है। चैत्य और जो है बिहार गुफाएं यहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। जैसे आप जानते होंगे श्याम जातक कथाएं कहाँ मिलती हैं, राहुल समर्पण कहाँ मिलता है, ऐसे क्वेश्चंस बार बार आते रहते हैं। बुद्ध का ग्रह त्याग कहाँ मिलता है, इनसे हम लोग अभी गुजरने वाले हैं, सभी हम लोग जानेंगे। चैत्य और बौद्ध गुफाओं के बारे में जानेंगे, कैसी होती हैं, क्या होती हैं, क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया उसे। अब हम लोग कुछ बात कर ले रहे हैं एक्स्ट्रा डाटा की, जैसे कि चीनी यात्री एक आते हैं बौद्ध धर्म के संबंध रखते हैं, ये युवांग च्वाइंग, इन्होंने एक पुस्तक लिखी ट्रेवल्स इन इंडिया, युवांग च्वाइंग ने एक अपनी पुस्तक लिखी ट्रेवल्स इन इंडिया, इसमें इन्होंने अजंता की कलाओं को खूब प्रशंसा की है कि बहुत अच्छी कलाएँ हैं, ऐसी ऐसी हैं, यहाँ यहाँ बौद्ध धर्म से संबंध रखती हैं, क्योंकि ये बौद्ध यात्री था इसलिए ये बौद्ध को ही उकेरेगा, और मूल रूप से अजंता की गुफा जो है ये बौद्ध धर्म से ही संबंध रखती है। और आगे हम लोग जब गुफाओं की बात करेंगे तो गुफा में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म से ही संबंध रखेगा, महात्मा बुद्ध के बारे में, उनके लड़के राहुल के बारे में, राहुल समर्पण कैसे करते हैं, गुफा संख्या 17 इसीलिए फेमस हो जाती है, राहुल समर्पण का दृश्य दर्शाया गया है, यशोधरा अपने अकलौते बेटे को समर्पित कर रही हैं, बौद्ध जी उसे ले रहे हैं, तो ये सब गुफाएँ ऐसी फेमस हो जाती हैं और ये बौद्ध धर्म से संबंध रखती हैं। अजंता बहुत फेमस है, बार बार क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, एक क्वेश्चंस तो पक्का ही रहता है, मैक्सिमम 3 प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो अजंता की कुलाओं में खूब प्रशंसा की गई है। युवांग च्वाइंग की पुस्तक कौन सी है, ट्रेवल्स इन इंडिया, ट्रेवल्स इन इंडिया, ध्यान रखना है। इसी प्रकार फाहियान आता है, फाहियान भी 398 ईस्वी में यहाँ आता है और यहाँ की कला मंदिरों का उल्लेख करता है। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में एक माणभट्ट जी रहते हैं, उन्होंने भी गुफाओं पे बहुत अच्छे से वर्णन किया है, वो भी बताया है कि अजंता ही सबसे बढ़िया गुफा है, बहुत ही अच्छी गुफा मानी जाती है। माणभट्ट के अनुसार भी अजंता ही सबसे बढ़िया गुफा मानी जाती है, जहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र मिलते हैं। जेम्स फ्यूगरसन ने 1819 ईस्वी में, ये नाम याद रखना है, जेम्स फ्यूगरसन ने 1819 ईस्वी में अजंता को खोज दिया था, ठीक है। तो अजंता की गुफा को खोजा कब, 1819 ईस्वी में, किसने खोजा, जेम्स फ्यूगरसन ने, जेम्स फ्यूगरसन नाम याद रखना है, इन्होंने खोजा। उसके बाद सर्वप्रथम इसकी चर्चा विलियम एस्किन ने 1822 में बाम्बर लिटरेची सोसाइटी में विवरण जो है आता है उसमें प्रस्तुत कर देते हैं, कौन, तो विलियम एस्किन जो है 1822 में इसे प्रस्तुत करते हैं बॉम्बे लिटरेची सोसाइटी में, वहाँ भी इसका साक्ष्य मिल जाता है और वहाँ भी इसका जो है थोड़ा सा उद्घोष हो जाता है। आगे 1824 ईस्वी में लेफ्टिनेंट जेम्स ई एलेक्जेंडर ने इन गुफाओं पे देखा तो उनका विवरण तैयार किया और 1829 में लंदन में ट्रांसजेनिक्स ऑफ रॉयल एशियंटिक सोसाइटी में इसे प्रकाशित भी करवा दिया, कब, 1829, किसने, ई एलेक्जेंडर ने, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर दो प्रकार की गुफाएं पाई जाती हैं, कैसी, चैत्य और बिहार। चैत्य होता है पूजा का स्थल, बिहार होता है भिक्षुओं के रहने का स्थान, बौद्ध भिक्षु जिसमें रहते हैं उसे बिहार कहा जाता है, और चैत्य होता है ग्रह या फिर पूजा का स्थल, ठीक है, तो ये प्रार्थना स्थल या फिर पूजा का स्थल कहलाता है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं, टोटल दो ये प्रकार की गुफा पाई जाएगी, जैसे बिहार गुफा कौन सी है, तो बिहार गुफा गुफा संख्या 17 भी है, और चैत्य गुफा कौन सी है, तो चैत्य गुफा में कई आती हैं, दो गुफाएं टोटल आती हैं चैत्य गुफा में, ठीक है, चैत्य गुफा में टोटल दो ये गुफाएं आती हैं और उनको बार बार कहा भी जाता है कौन सी बिहार हैं कौन सी चैत्य हैं, जैसे गुफा संख्या 10 और गुफा संख्या 9 ये दोनों चैत्य गुफाएं हैं। हीनयान महायान गुफा संख्या 9 में आता है और जो है षडजांतक कथा जो है मूल रूप से गुफा संख्या 10 में आती है, दोनों चैत्य गुफाएं हैं, ठीक है। आइए अब चैत्य और बिहार पे भी हम लोग बात कर ले रहे हैं, अधिकांश क्षेत्र बिहार गुफाओं में पाए गए हैं, चैत्य गुफाओं में कहीं कहीं क्षेत्र मिलते हैं, चैत्य गुफाएं प्रार्थना के लिए बनाई गई हैं, याद रखना है बेटा, बहुत बार ये छपा है प्रश्न, चैत्य किसे कहा जाता है, प्रार्थना स्थल को कहा जाता है, ध्यान रखना है, चैत्य किसे कहा जाता है, प्रार्थना स्थल को कहा जाता है, जबकि बिहार गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के निवास के स्थान को कहा जाता है। बिहार गुफाएं कैसी होती हैं, जहां बौद्ध भिक्षु रहा करते थे उसे हम लोग बिहार के नाम से जानते हैं। आगे बात कर ले रहे हैं अजंता में कुल गुफाओं की संख्या, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, 30 गुफाएं पाई जाती हैं, पहले 29 हुआ करती थी, बाद में 15 की खोज हो जाती है, उसके बाद टोटल गुफाओं की संख्या 30 हो जाती है। अच्छा, ये 15 ए कहाँ खोजी जाती है, तो गुफा संख्या 14 और 15 के मध्य मूल रूप से खोजी जाती है, इसे इसका नाम 15 ए होता है। टोटल जो है अजंता में गुफाओं की संख्या 30 हो जाती है। एलोरा में गुफाओं की संख्या 34 होती है, एलोरा इसी के पास वाला क्षेत्र है एलोरा, और वो भी मूल रूप से कहाँ पे है, महाराष्ट्र औरंगाबाद, ठीक है, अजंता से 135 किलोमीटर दूर स्थित है एलोरा, दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है, एलोरा 34 गुफा है, अजंता 30 गुफा है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं,
तो 30 गुफाएं पाई जाती हैं। पहले 29 गुफाएं थी, 15 की खोज हो गई, 14-15 के मध्य स्थित है। अब यहाँ पे मात्र 6 गुफा मिलती हैं जिसमें चित्र हैं। अजंता में मूल रूप से 6 गुफाएं ऐसी हैं जहाँ पे चित्र मिलते हैं, इसलिए हमें 6 गुफा को पढ़ना है। कौन कौन सी वो गुफाएं हैं ये बहुत बार पूछा गया है। 1, 2, 9, 10, 16, 17 इन्हें याद कर लेना है, बिल्कुल याद कर लेना है, ठीक है। 1, 2, 9, 10, 16, 17 कहाँ है? अजंता है। अजंता में 6 गुफा है जहाँ पे चित्र मिलते हैं। 1, 2, 9, 10, 16, 17 यही 6 गुफा हमें पढ़ लेनी है, अजंता हमारा क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं, अजंता की गुफा में प्रथम शती से लेकर के 7वीं शताब्दी तक लगभग 700 वर्षों का अधिक कार्य हुआ है। किससे? पहली से 7वीं शताब्दी के मध्य का अजंता है, ठीक है, याद रखना है। अजंता गुफा किस काल की है? पहली शताब्दी से लेकर के 7वीं शताब्दी के मध्य अजंता की गुफा संबंध रखती है। आगे बात करते हैं, अजंता की चित्रकला में शक, सातवाहन, चालुक्य, वाकाटक, कुषाण एवं गुप्त की सबसे ज़्यादा संस्कृतियाँ यहाँ दिखाई देती हैं। कौन कौन से वंश? शक वंश, सातवाहन, चालुक्य, वाकाटक, कुषाण और गुप्त काल की संस्कृतियाँ अजंता गुफा में दिखाई देती हैं। सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है या सबसे सर्वश्रेष्ठ अंकन जो है मूल रूप से गुप्त काल का ही रहा है। अजंता पे सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा या सबसे सर्वोत्कृष्ट चित्र किसके मिले हैं? तो गुप्त काल के मिले हैं, ठीक है, याद रखना है। प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है ये गुप्त काल वाला, ठीक। आगे हम लोग बात करते हैं, तो अजंता गुफा भारत के एक महान कला तीर्थ के रूप में भी जानी जाती है। यहाँ के चित्रकार, मूर्तिकार व स्थापत्यकार तीनों का सुंदर समन्वय होता है। इस कला से जो है बौद्ध कला के रूप में भी जानी जाती है। इस कला को हम लोग बौद्ध कला के नाम से भी जानते हैं, अजंता कला या फिर बौद्ध कला, उपनाम होता है बौद्ध कला, ठीक, क्योंकि इन गुफाओं का समस्त चित्रण जो है चित्र वृत्तांत भगवान बुद्ध के जीवनी की घटनाओं से ही आधारित है। जन्म मरण से संबंधित या फिर उनसे संबंधित जन जन्मांतर की कथाओं से, जिन्हें हम लोग जातक कथाएं कहते हैं, जन जन्मांतरण की कथाएं जातक कथाएं कहलाती हैं। बौद्ध धर्म से संबंध होता है, बहुत बार पूछा गया है जातक कथाओं का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है, ठीक है, तो याद रखना है भगवान बुद्ध से संबंधित है, बौद्ध धर्म से है। जातक कथाएं जन जन्मांतरण के लिए फेमस होती हैं। अब हम लोग बात कर लेंगे गुफा संख्या एक की। गुफा संख्या एक में क्या है, दो में क्या है, ऐसे हम लोग बात करेंगे जो है 1, 2, 9, 10, 16, 17 सभी में हम लोग बात करने वाले हैं। गुफा संख्या एक में क्या क्या फेमस है बेटा? सबसे ज़्यादा फेमस क्या है? बोधिसत्व पद्माणी। गुफा संख्या एक, यह एक बिहार गुफा है, याद रखना है, बिहार गुफा है, यहाँ पे रहा करते थे लोग, ठीक है, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे वो लोग रहा करते थे। इस गुफा की बाईं दीवार पे पद्मपाणी बोधिसत्व का चित्र अंकित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा। पद्मपाणी बोधिसत्व कहाँ है? गुफा संख्या एक, अजंता गुफा, अजंता गुफा महाराष्ट्र औरंगाबाद, तुरंत याद आना चाहिए, ठीक है, अजंता गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र, ठीक, अजंता गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। आगे हम लोग बात कर ले रहे हैं, तो इसमें क्या और ख़ास है? ये जो बोधिसत्व पद्माणी मिला है इसमें हाथ में कमल लिए हुए बोधिसत्व का एक विश्व चिंतन में लीन दृश्य जो है दर्शाया गया है, ऐसा गुफा संख्या एक में बताया जाता है। और एक महत्वपूर्ण चित्र है मार विजय, मार विजय का चित्र भी इसी में है। इस गुफा का दूसरा चित्र जो है मार विजय है, जिसमें मध्य में निर्विकार भाव से भगवान बुद्ध बैठे हैं, चारों ओर मार की सेनाएं उन्हें अनेक प्रलोभन देती हैं, ऐसा चित्र भी दर्शाया गया है। तो मार विजय भगवान बुद्ध को प्रलोभन देने की चिताएं हैं, ठीक है, तो मार विजय भी है। और मूल रूप से क्या है? तो मूल रूप से पहली गुफा में क्या है? पद्मपाणी बोधिसत्व बहुत फेमस है, और एक शिवजातक भी अभी आएगा। तीसरा महत्वपूर्ण चित्र कौन सा है? तो तीसरा महत्वपूर्ण है जो गुफा संख्या एक में पाया जाता है, जिसे हम लोग शिवजातक के नाम से जानते हैं। शिवजातक की कथाएं चित्रित हैं। राजा शिव ने कबूतर के रूप में अग्निदेव की बाज रूपी इंद्र को उन्होंने प्राणों की रक्षा करने के लिए तराजू में अपने पड़े में बैठकर एक कबूतर को रखा और उसको वजन देखा। जितना वजन कबूतर का था उतना जो है मांस का टुकड़ा उन्होंने अपने जांघ से निकलवा के दे दिया और बाज खा लिया। ऐसी कथाएं शिवजातक कथाएं कहलाती हैं। उसको भी प्रस्तुत किया गया है किसमें? गुफा संख्या एक में, याद रखना है। गुफा संख्या एक क्या क्या? शिवजातक कथा, मार विजय और पद्मपाणि बोधिसत्व गुफा संख्या एक में स्थित है। गुफा संख्या दो की बात कर ले रहे हैं। गुफा संख्या दो में क्या क्या है? गुफा संख्या दो सबसे ज़्यादा फेमस चित्र है सर्वनाश। यह भी एक बिहार गुफा है। इस गुफा का सर्वाधिक प्राचीन चित्र जो है सर्वनाश है, जिसमें बौद्ध भिक्षु का बायां हाथ ढोंढ़ी पर रखा हुआ है, जबकि चिंता की मुद्रा में है, और हाथ की मुद्रा इस प्रकार है कि जैसे मानो सर्वनाश हो गया हो, ऐसा दर्शाया गया है गुफा संख्या दो में सर्वनाश का दृश्य है। और साथ ही साथ जन्म के समय एक अंग में माया देवी का अंकन भी मिलता है। माया देवी का अंकन कहाँ पे है? गुफा संख्या दो में है। नवजात शिशु इंद्र की गोद में है। इसके अतिरिक्त जो है महाहंस जातक, याद रखना है बेटा, महाहंस जातक किसमें है? गुफा संख्या दो में है।
विदुर पंडित जातक भी गुफा संख्या दो में है। क्षमा याचना गुफा संख्या दो में है। तो क्षमा याचना, महाहंस जातक, विदुर पंडित जातक, ये मूल रूप से माया देवी, और जो है चित्र क्या है सर्वनाश, ये चारों पांचों चित्र कहाँ से हैं, गुफा संख्या दो से हैं, याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं गुफा संख्या नौ की। गुफा संख्या नौ एक चैत्य गुफा है। चैत्य यानी पूजा का स्थल, प्रार्थना का स्थल, ऐसी गुफा है चैत्य गुफा। गुफा संख्या नौ बहुत ही फेमस है और इसी में हीनयान महायान दोनों मतों को जो है दर्शाया गया है। जो भिक्षुओं द्वारा पूजा पाठ हेतु बनाई गई थी उसे जो है गुफा संख्या नौ कहा गया है। गुफा के बाहर की ओर भगवान की प्रतिमाएं उत्कर्षित हैं, जबकि इस गुफा में हीनयान एवं महायान दोनों मतों से संबंधित कुछ चित्र पाए जाते हैं। गुफा संख्या नौ, हीनयान महायान से संबंधित गुफा कौन सी है जनता की, गुफा संख्या नौ, याद रखना है। गुफा संख्या दस क्या महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे षड्यांतक की कथाएं आती हैं। गुफा संख्या दस में मूल रूप से क्या पाई जाती हैं, यह भी एक चैत्य गुफा है, चैत्य यानी पूजा स्थल है। गुफा संख्या नौ और दस चैत्य स्थल है, बाकी सभी जो है बिहार गुफाएं हैं, यानी रहा करते थे लोग, और गुफा संख्या नौ दस में ये दोनों पूजा करते थे। तो गुफा संख्या नौ में आपने देखा कि जो है मूल रूप से क्या है, हीनयान महायान दोनों मतों को चित्रित किया गया है, उनसे संबंधित चित्र हैं। गुफा संख्या दस में षड्जातक, यह गुफा सातवाहन काल में निर्मित हुई है। षड्जातक काल के प्रसिद्ध चित्र इस गुफा में लगभग हैं। गुफा संख्या 17 में भी ऐसा चित्र मिलता है। तो गुफा संख्या 10 में जो षड्जातक का चित्र है वही गुफा संख्या 17 में भी पाया जाता है, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे ज़्यादा जो है चित्र कहाँ मिलते हैं, गुफा संख्या 17 में ही मिलते हैं, याद रखना है। साथ ही साथ हाथियों की लयात्मक मुद्राओं का बड़ा ही भावपूर्ण चित्रण मूल रूप से कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है गुफा संख्या 10 में। गुफा की बाईं भित्ति पे राजा का जुलूस नामक एक चित्रण है। राजा का जुलूस चित्रण कहाँ पे है, तो गुफा संख्या 10 में स्थित है। गुफा संख्या 10 में राजा का जुलूस भी है, श्याम जातक भी है, बोधिसत्व का जो है प्रसिद्ध बायां हाथ आशीर्वाद मुद्रा में है वो भी है, कहाँ पे, तो गुफा संख्या 10 में स्थित है। राजा के जुलूस का चित्रण भी इसी पे है, और जिसमें नागराज अपनी रानियों और 10 दासियों के साथ जा रहे हैं, ऐसा दर्शाया गया है। श्याम जातक की कथाओं की अगर बात करते हैं, तो श्याम जातक की कथाओं का भी चित्रण इसी रूप में है, जो है गुफा संख्या 10 में ही है, इसी गुफा में चित्रित किया गया है। इस गुफा में अंधे माता पिता की सेवा करने वाले नवयुवक श्याम की कथा अंकित है, ठीक है। बोधिसत्व की अगर बात करते हैं, बोधिसत्व का प्रसिद्ध चित्र भी इसी गुफा में है, जिसका दायां हाथ कल्याण तथा बायां हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में पाया जाता है, किसमें, गुफा संख्या 10 में। बोधिसत्व कहाँ पे है, गुफा संख्या 10 में है। श्याम जातक कहाँ पे है, गुफा संख्या 10 में है। षड्जांतक कहाँ पे है, गुफा संख्या 10 और 17 दोनों जगह है, ठीक है। अब हम लोग गुफा संख्या 16 की बात कर लेते हैं। गुफा संख्या 16 में अजंता में क्या पाया गया, तो अजंता की गुफा संख्या 16 में मूल रूप से प्रलंब पाद मुद्रा में भगवान बुद्ध खड़े हैं, ऐसा है, और बुद्ध का गृह त्याग भी निर्मित है। मरणासन राजकुमारी भी गुफा संख्या 16 में ही निर्मित है। आइए हम लोग देखते हैं गुफा संख्या 16। यह एक बिहार गुफा है, यानी यहाँ लोग रहा करते थे। यह सबसे ऊंची गुफा है, गुफा संख्या 16 सबसे ऊंची है। गुफाओं के मध्य में बुद्ध की प्रलंब पाद मुद्रा निर्मित है। एक अन्य चित्र में बुद्ध का गृह त्याग भी दर्शाया गया है। बुद्ध का गृह त्याग कहाँ पे है, गुफा संख्या 16 में स्थित है, जिसमें रात्रि के समय यशोधरा और राहुल सो रहे हैं और भगवान बुद्ध अपना गृह त्याग कर रहे हैं, ऐसा दृश्य दर्शाया गया है गुफा संख्या 16 में। साथ ही साथ बहुप्रसिद्ध चित्र मरणासन राजकुमारी भी चित्रित है, कहाँ पे, गुफा संख्या 16 में ही चित्रित है। यह चित्र वातावरण करुणा की भावपूर्ण अभिव्यक्ति को दर्शाता है, मरणासन राजकुमारी का चित्र, ठीक है। ये जो है मूल रूप से वातावरण की करुणा को दर्शा देता है, मरणासन राजकुमारी का जो चित्र है बहुत ही मार्मिक चित्र है, ठीक। कहाँ पे है, गुफा संख्या 16 में है, अजंता में है। कई बार पूछा गया है मरणासन राजकुमारी कहाँ पे है, अजंता की गुफा संख्या 16 में, एलोरा की गुफा संख्या 16 में, तो एलोरा और अजंता में अंतर है, ध्यान रखना है, एलोरा और अजंता में अंतर है, याद रखना है, ठीक है। जो एलोरा की गुफा संख्या 16 है वहाँ भगवान कैलाश का शिव मंदिर स्थित है, कैलाश मंदिर जिसे हम लोग जानते हैं, ठीक है, और जबकि यहाँ पे मरणासन राजकुमारी स्थित है, मरणासन राजकुमारी, ठीक। आगे हम लोग बात करते हैं गुफा संख्या 17, सबसे लास्ट गुफा है, बहुत ही महत्वपूर्ण गुफा है गुफा संख्या 17। गुफा संख्या 17 यह गुफा बिहार गुफा है, यानी यहाँ लोग रहा करते थे, हीनयान महायान के लोग यहाँ रहा करते थे। इसमें सभी गुफाओं में सबसे अधिक चित्र मिलते हैं, सबसे ज़्यादा चित्र कहाँ मिले हैं, गुफा संख्या 17 में ही बने हैं। इस गुफा का प्रसिद्ध चित्र जो है राहुल समर्पण है, राहुल समर्पण वही भगवान बुद्ध जा रहे हैं और यशोधरा जो है अपने लड़के राहुल को भगवान बुद्ध को प्रेषित कर रही हैं, दे रही हैं समर्पण भाव से भिक्षा के रूप में, जिसमें भगवान बुद्ध ने भिक्षा मांगने पर यशोधरा अपने इकलौते पुत्र को समर्पित करते हुए चित्र दर्शाया गया है, ऐसा चित्र कहाँ पर मिलता है, गुफा संख्या 17 में मिलता है, अजंता की गुफा संख्या 17, ठीक है, अजंता औरंगाबाद महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, अजंता, ठीक है।
आगे अगर हम लोग बात करते हैं क्या क्या मिल गया है अजंता में, अजंता की गुफाओं में अन्य चित्र भी मिले हैं जिसमें नारी रूप सार्वभौमिक सौंदर्य का प्रतीक रूप दर्शाई गई है। नारी रूप सार्वभौमिक सौंदर्य का प्रतीक बहुत बार पूछा गया है, नारी रूप सार्वभौमिक सौंदर्य का प्रतीक कहाँ दर्शाया गया है, अजंता की गुफाओं में दर्शाया गया है। साथ ही साथ नारी आकृतियों के अतिरिक्त पशु पक्षी वृक्ष बेल पुष्प पत्ते तालाब गंधर्व किन्नर नाग अप्सरा गरुण आदि का भी चित्रण कहाँ हुआ है, तो ये सारे चित्रण जो है मूल रूप से कहाँ पे किए गए हैं, अजंता की गुफा में किए गए हैं। अजंता कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, आगे हम लोग बात कर ले रहे हैं, दो चार डाटा और बचे हैं बसे ही। हिरौजी रामराज काला काजल 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 नील गेरू आदि रंगों का जो है बढ़िया से प्रयोग अजंता की गुफा में किया गया है। एक बार और ध्यान दीजिए, हिरौजी रामराज कागज सॉरी काजल 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 नील गेरू रंगों का मिश्रण सुचितापूर्ण रंग से किया गया है। किसमें, अजंता की गुफाओं में। रंगों का प्रयोग टेम्परा तकनीकी पे होता था। टेम्परा तकनीकी वही होती है जहाँ एक बार टूट फूट गए फिर उस पर प्लास्टर कर दिया गया, प्लास्टर करके उसे रगड़ा गया, बढ़िया से घर्षण कर दिया गया, चिकनाहट आ गई, वही टेम्परा तकनीकी हो जाती है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोगों ने अजंता गुफा के बारे में पढ़ा। एलोरा तो हमने कल पढ़ ही लिया था, एलोरा से पहले जोगी महारा भी पढ़ लिया है हमने, बादामी भी पढ़ लिया है, बाघ भी पढ़ लिया है, सारी गुफाएँ लगभग पढ़ चुके हैं हम लोग। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग एलिफेंटा पे ध्यान दे लें, जो क्वेश्चन एलिफेंटा से अभी आते हैं उनको देख लेते हैं, और जो है खुजराहों को देख लेते हैं, तंजौर गुफा को देख लेते हैं, कांचीपुरम मंदिर के कुछ भित्ति चित्रण हैं जैसे शिव पार्वती का चित्रण कहाँ से मिला है, तो इन सबको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। फिलहाल ये क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।